न्यू ईयर पर बिक्री के 3 वाहनों से मंगाया गया 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद। कारोबारी हुआ फरार। मुर्गी फार्म से किया गया बरामद। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के खोंसा गांव स्थित एक मुर्गी फार्म से पुलिस ने गुरुवार तड़के भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। विदेशी शराब एक ट्रक के अलावा मैजिक व पिकअप पर अलग अलग लोड 200 कार्टन से अधिक विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि इस दौरान कारोबारी कुहासा का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। बताया गया है कि शराब न्यू ईयर पर बिक्री करने के लिए कारोबारी ने स्टॉक कर रहे थे। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि तड़के पुलिस को सूचना मिली कि होंसा गांव स्थित शिव शक्ति हिचड़ी नामक मुर्गी फार्म में भारी मात्रा में शराब उतारा जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की तो वहां पर कारोबारी कुहासा का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक के अलावा एक पिकअप और एक मैजिक वाहन बरामद किया है, जिस पर अलग अलग करीब 200 कार्टन शराब लोड था। बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। छापेमारी के दौरान थाना प्रभारी के अलावा ईएसआई संजय कुमार, एलटीएफ प्रभारी उपेंद्र कुमार के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस टीम शामिल थी। न्यू ईयर पर बिक्री के लिए मंगाया गया था शराब। बताया गया है कि न्यू ईयर और 28 दिसंबर को समस्तीपुर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में शराब का स्टॉक किया जा रहा था, क्योंकि चुनाव को लेकर शराब की डिमांड बढ़ी हुई है। वहीं नया साल भी आ रहा है, जिसमें लोग मौज मस्ती के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसी ख्याल से कारोबारी ने बड़ी संख्या में यहां स्टॉक किया था। बरामद शराब हरियाणा निर्मित बताया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में मुर्गी फार्म कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।